से पता चला कि बिहार ने कोई ईमेल करी है और उसके अंदर किया है। हमारे लिए तो खुशी की बात कि जो साजिश उनके विरुद्ध रची गई डॉक्टर अजय सिंह जी इंटरम बेल पे उनसे ज़्यादा रहे, उनका टेन्योर थोड़ा और बढ़े, मगर क्विटल उसका सेंटेंस पूरा हुआ है। मैं मानता हूँ कि एक बारी बारी जो टेंशन रहती है वो समाप्त हो। सरकार के बहुत बड़ी और पुरानी मांग हमारे वर्कर एसोसिएशन को कि मेडिकल बेनिफिट्स जो है वो आयुष्मान भारत के वर्कारों को मिले, जैसे और कर्मचारियों को मिले। और पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रेगुलर कम्युनिकेशन के बाद वो अप्रूवल भी आया कि हरियाणा प्रदेश के तमाम मेम्बरदारों और हमारे कंस्ट्रक्शन लेबर वेलफेयर बोर्ड के सदस्यों आयुष्मान भारत के बेनिफिट। उसके साथ एक वादा था सरकार कि मेम्बरदारों को मोबाइल फोन दिए गए, इसका अप्रूवल हो चुका है। और मैं आज इनसे आग्रह किया मोबाइल लेना चाहते हैं या उसका डीबीटी लेना चाहते हैं, वो फैसला एसोसिएशन का आगे प्रसन्न। और एक मांग उनकी है जायज उनका मानदेय जो है महीने की महीने तमाम नंबरदारों के खाते में, इसको हम अपने 30 दिनों में रिजॉल्व करवा दिए। और मैंने इनसे आग्रह भी किया कि नंबरदारों के कार्यों को और कैसे बढ़ाया जाए, क्या क्या चीज़ें डिसीजन इनके ऐड हो उसके ऊपर भी सुझाव एसोसिएशन अगले। जिस तरीके से विधायक दल की बैठक भी हुई थी कल और जसपा के भी तमाम जो है विधायक शामिल हुए थे, बड़ी चर्चा हुई भाजपा जनरल गठबंधन के विधायकों के साथ, क्या कुछ उसके बाद इसके ऊपर का समय हो चुका है सेशन को। बीच में कोविड की ऐसी वेव आई कि तमाम कमेटी मीटिंग थी और मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट। कल यही कारण था क्योंकि कमेटी मीटिंग्स दोबारा सुचारू तौर से शुरू हो चुकी है कि तमाम विधायकों से उनके कोई ग्रीवेंस एड्रेस करने उस पर भी करते हैं, प्लस आगे कैसे भी दोनों पार्टी अपना जॉइंटली एफर्ट्स उसके लिए कार्य शुरू किए। और मुझे लगता है दो घंटे जो बड़े विस्तार से चर्चा हुई उसका आने वाले दिनों में आप फील्ड में भी पॉजिटिव आउटकम देखेंगे। सरकार की जो योजनाएँ 1.5 साल में आई जो लाभ लोगों को मिला है उसको प्रॉब्लम नहीं पड़ती।